देखो ये सच्चाई तो कोई उस चीज़ की गल नहीं है, जदों जिस पार्टी के भी शामिल होना होगा असी ठोक के तो उन्हें बोल देवांगे, बुला के कहांगे जी ठीक है ना जी, तो जो भी इस तरह का मन बनेगा मैं थोनों दस दूंगा जी। देखो इस वेले इस उत्ते टिप्पणी करना उचित नहीं है क्योंकि तुसी देख रहे हो दो महीने तो की चल रहा है, खासकर दिल्ली दे विच की चल रहा है, ठीक है कि नहीं। रूलिंग पार्टी दे MLA उत्ते बुलाए जाते हैं, यह सारा कुछ हो रहा है, तो मैं उत्ते उन्होंने जो उन्होंने अपनी कार्य प्रणाली है मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। हाँ ठीक है, मेरा तो यही फोकस है कि मैं मानजोग चीफ मिनिस्टर साहब के नाल एक बार मुलाकात करना चाहता हाँ, जो दे सारा हो जाएगा मैं चाहता हाँ कि सुप्रीम कोर्ट के विच अपील किया जाए जो ऑर्डर आया है, क्योंकि वो ऑर्डर गैर संवैधानिक ऑर्डर है, जो साढ़े लीगल एक्सपर्ट्स ने जो स्टडी की है वो उसनू चैलेंज करना है। मानजोग CM साहब ने भी जनतक तौर पर अपने इंटरव्यू के विच किया है कि उसनू चैलेंज करना है, तो मैं उस संबंध में एक बार मुलाकात करांगा, बेनती करांगा, तो उन्हें चैलेंज करना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो बाकी कोई गलबात होगी तो मैं थोनू दस दूंगा जी। सर सच्चाई कि कांग्रेस सरकार सवाल दी पार्टी ने सवाल चुक रही है, MLA सवाल चुक रही है, मेरी गल सुनो, जेकर कांग्रेस पार्टी दे MLA जां उन्हां दे लीडर सवाल चुक रहे हैं तो उन्हां दा अंदरूनी मसला है ना जी, क्या उन्हां दा अंदरूनी मसला है, ठीक है जी, तो उस मसले के उत्ते मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, उन्होंने पार्टी का अपना अंदरूनी मसला है, ठीक है, तो मैं तो एक देखो सरकार दे विच सर्विस दे विच सीगा, मैं अपना बेहतर तो बेहतर अपनी कोशिश की, जो जो ड्यूटी दी गई यही नहीं, इस ड्यूटी दे विच भी असी की बहुत, मतलब मेरे मतलब प्रोफेशनल करियर का 22-23 साल जो असी नौकरी की यह बेस्ट इन्वेस्टिगेशन सीगा जी, लेकिन मैनू दुख जरूर होया, निराशा भी जरूर हुई कि रिपोर्ट फरीदकोट की मानजोग सेशन अदालत दे विच है, तो फैसला चंडीगढ़ दे विच हो रहा है, तो साडे जिहड़े सरकारी पक्ष के वकील ने वो ये भी उन्होंने उचित नहीं समझिया कि वह कहन कि वो रिपोर्ट उतों मतलब चंडीगढ़ मंगा ली जाए, तो उन्हें पूरा देख के ठीक है कि नहीं रिपोर्ट नूं पढ़ना, देखो एक कमरा है ना जी, एक कमरे दे विच वो पूरा रिकॉर्ड सारा हो जाएगा, तो वह है तो फरीदकोट दे विच, ठीक है ना जी, उत्थे दी अदालत दे विच, ते फैसला चंडीगढ़ दे विच हो रहा है, तो मैनू निराशा जरूर हुई, लेकिन मैं कोशिश करांगा फिर, क्योंकि मानजोग CM साहब का बयान आया है, मैं मुलाकात करांगा, मुलाकात करके मैं फिर बेनती करांगा, कर देंदे ने ठीक है, मैं इस करके टाइम नहीं मंगिया कि काफ़ी उथल पुथल तुसी आप ही कह रहे हो कि आपस दे विच ही चल रहा है, तो जेकर वो कर देंगे ने वधिया है नहीं तो मैं अपने लेवल पर करांगा। सर तुहाडे वल्लों काफ़ी काम किया गया सी, पर सरकार दे कई अफसरां दे वल्लों अड़चनां भी काफ़ी पाई गई उस बिंदु के उत्ते, हुण बहुत कुछ गलबात हो चुकी है, ठीक है कि नहीं, तो इस करके मैं नहीं समझदा हाँ कि जदों भी कोई ऐसे करके काम चैलेंजिंग हुंदा है ना, हर काम सौखा तो नहीं हुंदा है ना, चैलेंजिंग हुंदा है, तो यह भी चैलेंजिंग बन गया सी, पहला तो ही चैलेंजिंग सी, लेकिन इस तरह जो तुसी कह रहे हो उस तरीके दे नाल ये होर ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया सी, लेकिन असी डरदे नहीं। देखो दो चीज़ की गरंटी है, कंवर विजय प्रताप नूं ना कोई डरा सकता है ना किसी चीज़ की लालच दे सकता है, दो चीज़ की गरंटी है, बाकी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कहावत साडे पुरखियां दी बहुत समय तो प्रचलित है जी, ठीक है, तो जो चोर है वो बोलेगा ही बोलेगा, तो उन्होंने सपोर्ट जेकर मिलेगा, तुसी आप ही कह रहे हो कि सपोर्ट है उन्होंने, तो सपोर्ट है तो पावर उन्होंने डबल हो जाता है। इस्तीफा देने का की कारण समझते हो? यही कारण है जी, सिस्टम खराब हो गया, सिस्टम सारा हौज पौज हो गया, पता ही नहीं चल रहा है कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ना दी कोई चीज़ भी है, ठीक है कि नहीं। लगता कि सर इस्तीफा देने तो बाद हुण जिहड़ा राजनीति विच पैर रख रहे हो उहदे नाल तुसी कितना ना कितना जिहड़ा, मैं चाहांगा कि हर बच्चा राजनीति दे विच पैर रखे जी, ये राजनीति वो राजनीति नहीं होगी, हुण जदों पंजाब दा बच्चा बच्चा राजनीति दे विच आएगा तो ये राजनीतिक ये पॉलिटिशियन देखो ये अपना अपना घर परिवार सारा छड़ के भज जाएंगे जी, क्योंकि हुण हर बच्चा बच्चा राजनीति दे विच कदम रखेगा, एक क्रांति आएगी पोलीटिकल रिवोल्यूशन जिस दे विच बच्चा बच्चा हर यूथ बुजुर्ग लेडीज जेंट्स ये सारे शामिल होंगे, एक क्रांति आएगी तुसी देख लेना आएगी, लेकिन आम दा विच कोई आम दी जिहड़ी चर्चा पूरी दिल्ली दे विच भी हो रही सी, पंजाब दे विच कल केजरीवाल अपनी सरा पहुंच रहे, मैं इस बारे कोई टिप्पणी अज नहीं कर सकता। मेरी गल तो सुनो, मेरे आज उस टॉपिक दे उत्ते मैं कोई चर्चा नहीं करांगा, बरगाड़ी कांड देखो ज
जो इन्वेस्टिगेशन सीगा इन्वेस्टिगेशन तो बाद ट्रायल शुरू हो गया सी तो ट्रायल क्वेश होया नहीं जी बेसिकली कार्रवाई फरीदकोट की अदालत के बीच शुरू हो गई सी तो क्वेश हो गया हूँ कार्रवाई बंद हो गई नवी सीट बनी है नवी सीट के बहुत काबिल अफसर लगे हुए ने लेकिन जो केस खराब हो जाता है वो खराब हो जाता है जी ठीक है कि नहीं वो इंसाफ तो ही मिलेगा जो साड़ी अपनी जो पहली वाली रिपोर्ट है ना उस आधार से ट्रायल जो होगा ना फिर जाके इंसाफ मिलना है देखो जी सच्चाई तो देखो सच्चाई छुपती नहीं है ना जी देखो एक चोर है ठीक है वो कितना भी पावरफुल हो जाए सरकारी पक्ष तो तुसी आप कह रहे हो सारा पंजाब जानता है कि सारे लोग कह रहे हैं उन्होंने पार्टी के MLA मंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने सपोर्ट है तो सपोर्ट है ताही वो कर रहे हैं इस तरीके के नाल ठीक है तो सपोर्ट करके ही रिपोर्ट क्वेश हुई है रिपोर्ट के बीच कमी थोड़े है रिपोर्ट मैं दोबारा ये कह रहा हूँ कि फरीदकोट की मानजोग सेशन अदालत के बीच है तो चंडीगढ़ के बीच रिपोर्ट क्वेश हो रही है देखो जी सज़ा तो मिलनी ही मिलनी है एक कुदरत का नियम है जी जो जिस तरह करता है ना जी हर देखो कर्म का फल मिलता है कर्मण्यवाधिकार उसते ठीक है ना गीता दे विच भी भगवान कृष्ण जी ने कहा है कि कर्म दे विच तुहाडा अधिकार है तो जो माड़ा कर्म करेगा माड़ा उन्हें फल मिलेगा जो चंगा कर्म करेगा उसका चंगा फल मिलेगा ठीक है कि नहीं सत श्री अकाल प्लीज़ साडे चैनल सांझा पंजाब नू लाइक ते सबसक्राइब करो यूट्यूब ते